नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ब्लैक बुक के रेलवे के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। ये बुक दोस्तों जीके जीएस का बुक है। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पैरामेडिकल के जो पोस्ट होते हैं उनके लिए, साथ में प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक के अंदर आपको दोस्तों 15,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो ये बुक दोस्तों 2024-25 का नया एडिशन है, 255 एमआरपी, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 430 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बुक के कंटेंट को देखते हैं। तो इस बुक के की खासियत है दोस्तों कि काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सजाया गया है इस बुक के अंदर, और जीके जीएस के 15,000 से ज्यादा नवीनतम प्रश्नों का संकलन है जो टीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमआरपी मैंने बता दिया 255 है, और ये बुक दोस्तों अगस्त 2024 में प्रकाशित हुई थी, पहला जो संस्करण है, ठीक है। 400 प्लस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। और इस बुक की विशेषता के बारे में इन्होंने शुरुआत में बताया हुआ है। विषय सूची को देखते हैं। किसी भी बुक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है विषय सूची, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो टॉप 500 क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे पहले पार्ट में। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, मतलब इनको तो आप पहले देख लीजिए, तैयार करके जाइए टॉप 500 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आपको भाग दो में समाजशास्त्र मतलब इतिहास 1786 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन इन्होंने इस बुक में शामिल किए हैं या प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 207 क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में देखिए 702 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत है। उसके बाद विश्व के इतिहास से केवल 18 प्रश्न है, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कला और संस्कृति से 582 क्वेश्चन है। भूगोल से 2119 क्वेश्चन है, 2119 क्वेश्चन है। विश्व के भूगोल, भारत का भूगोल से जिसमें से आप दोस्तों देखेंगे 1100 क्वेश्चन है, लगभग 1101 क्वेश्चन। विश्व के भूगोल से 610 क्वेश्चन, और पारिस्थितिकी जो इन्वायरमेंट होता है उससे 408 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद भारतीय राज व्यवस्था से 1120 क्वेश्चन है, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था सबसे पहले है। उसके बाद अर्थव्यवस्था से 797 क्वेश्चन है। उसके बाद भाग तीन में आप दोस्तों देखेंगे सामान्य विज्ञान, यहाँ पे भौतिक विज्ञान से 1668 क्वेश्चन है, जो कि टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया होगा। रसायन विज्ञान में 1645 क्वेश्चन, जीव विज्ञान में 1457 क्वेश्चन, मतलब बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा कम है। जीव विज्ञान में दो पार्ट है, एक जीव विज्ञान प्राणी जगत है और एक वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी जिसको बोला जाता है। उसके बाद कंप्यूटर से 563 क्वेश्चन, और मिसलेनियस से 2804 क्वेश्चन, जिसको आप स्टैटिक जीके बोल सकते हैं। तो यहाँ स्टैटिक जीके में अगर टॉपिक देखेंगे तो जनगणना है, आविष्कार खोज है, महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण स्थान है, हस्तियां, इस तरह से यहाँ कुल मिला के 21 टॉपिक यहाँ कवर किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ कलेक्शन है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 380 क्वेश्चन है, ये शायद 380 पेज होंगे, पेज नंबर होगा ये, ठीक है, ये सब पेज नंबर है। कुल मिला के 1340 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे एनटीपीसी स्टेज 2, उसके बाद एएलपी, सारे रेलवे के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और रेलवे जीके के लिए अपडेट आपको पीडीएफ चाहिए तो इनका शायद कोई चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल होगा, तो उसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूआर कोड इन्होंने दिया हुआ है। इस पुस्तक को कैसे आप स्टडी करें तो इस तरह से भाग वाइज इन्होंने बताया हुआ है कि भाग वाइज देखे। अब देखिए कहीं कहीं आपको इस तरह से हैश का मतलब है, आपको दिक्कत होगा क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है, बताया है कि इसका मतलब होता है कि यह सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, अर्थात कितनी बार पूछा गया। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा ही, जैसे R11 लिखा हुआ है तो इसका 11 बार रेलवे में पूछा गया, ये 16 बार पूछा गया है। तो इन्होंने जो पहले 500 क्वेश्चन दिए हैं टॉप 500, वो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि सारे एग्जाम में काम करने वाला है, ठीक है, इसे देख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता 8 बार रिपीटेड है, तो आर से क्या हो गया, रिपीटेड हो गया रेलवे के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉप 500 क्वेश्चन है।
अब टॉपिक वाइज इन्होंने नहीं दिया हुआ है, टॉपिक वाइज अगर दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। इन्होंने मिक्स करके टॉप 500 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं जो ज्यादातर रिपीटेड है। अब जब भाग दो में जाएंगे टॉप पे, ये दोस्तों देखिएगा टॉप 500 क्वेश्चन आज के कितनी बार है, 1909 बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी रिपीटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज में भी। और यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसमें भी प्राग ऐतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब उसको सब टॉपिक में डिवाइड किया गया, जिससे आपको एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करने में काफी सुविधा होने वाली है। मतलब एक सीक्वेंस में टॉपिक को अरेंज किया गया, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी काफी बेहतरीन है। इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। ये बुक दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। और इस बुक से बाहर तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगते है कि पूछे जाएंगे। केवल वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, केवल ये प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। इस तरह से आपको यहाँ पे फोटो भी देखने को मिल जाएगा, फोटो रिलेटेड भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर में भी टॉपिक वाइज इन्होंने क्वेश्चन को अरेंज किया है। भाग फोर में आपको मिसलेनियस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जनगणना के बारे में कुछ जानकारी है, आविष्कार एवं खोज के बारे में जानकारी है। तो इससे रिलेटेड आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं भाग फाइव में, जहाँ पे प्रीवियस ईयर सेट आपको देखने को मिलेंगे। 30 सेट है यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले रेलवे NTPC 2019 CVT 1 सेट 28 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है इन्होंने, टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 40 क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शन के साथ है, और यहाँ पे आंसर की है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एग्जाम वाइज देख सकते हैं। तो एक ही बुक के अंदर इन्होंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस बुक को दोस्तों लीजिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इस बुक को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो अंत तक देखा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।